बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार अखरोज यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद कम्पटिशन जो जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक़द किया गया और हमारे इस चैनल कामयाब दुनिया शानदार अखरोज यूट्यूब चैनल का ये फर्स्ट कम्पटिशन था, और यकीन करें इतना जो है उम्मीद नहीं थी जितना ज़बरदस्त अंदाज में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस कंपटीशन को कामयाब बनवाया। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि उसने इतना ज़बरदस्त अपने वतन से मोहब्बत के लिए एक ज़बरदस्त कंपटीशन करवाने की तौफीक अता फरमाई। उसके बाद मैं आप सब लोगों का, वालदैन का, उन बच्चों और बच्चियों का जिन्होंने इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करके इस फंक्शन को चार चांद लगा दिए। तो इस कम्पटिशन में पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ शहरों से हमारे पास वीडियोज़ मौसूल हुई, जिसमें लाहौर, ओकाड़ा, पाकपतन शरीफ, अटक, उसके अलावा हमारा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, उसके अलावा बहुत से मुख्तलिफ और भी शहरों से हमें जो है मुख्तलिफ वीडियो मौसूल हुई और बच्चों ने और बच्चियों ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपने टैलेंट को जो है वो दिखाने की कोशिश की। और यकीन करें इस कंपटीशन के अंदर बच्चों का जोश और जज्बा बड़ा ही जिद्दी था, बड़ा ही शानदार था, बड़ा ही मज़ेदार था, क्योंकि बच्चों ने बड़े ही शौक के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने वतन के लिए मिली नगमे गाए। और फंक्शन के अंदर, कंपटीशंस के अंदर याद रखें कि असल बात होती है पार्टिसिपेट करना। अब 85 के करीब तकरीबन वीडियोस अपलोड हुई और उसमें 15 बच्चे ऐसे जिनको हमने सिलेक्ट करना था कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होल्डर्स, और उसके साथ साथ बाकी जो रिमेनिंग 12 हैं जिनको सर्टिफिकेट्स जो है वो दिए जाएंगे। तो खेल में, मुकाबलों में हार जीत जो है ये इसका हिस्सा होती है, और ये याद रखें इसे कभी मायूस नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मैं सलूट पेश करता हूँ उन 85 बच्चों और बच्चियों को जिन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेट करके इस मुकाबले को जो है वो जीत लिया। यानी आपने, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उनके मुकाबले में आपने पार्टिसिपेट करके इस मुकाबले को जो है वो जीत लिया। तो बहरहाल बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ। वालदैन ने भी इसमें अपने बच्चों और बच्चियों को की वीडियोस बनाई, हमें सेंड की, और मैं उन वालदैन को भी बड़ी तहे दिल से मशकूर हूँ। और उन वालदैन को ये कहूँगा कि जब भी ऐसे कंपटीशन हो बच्चों को ज़रूर पार्टिसिपेट करवाया करें, इससे हौसला अफजाई होती है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है और बच्चे जो है दुनिया में आगे बढ़ते हैं। और उनके अंदर हम उस सोच को, उस फिक्र को ख़त्म करना है जो माएँ अपने बच्चों को बचपन से डाल देती हैं, कि जैसे आपने भी सुना होगा माएँ बच्चों को कहती हैं कि भाई ये खाना खा लो, दूध पी लो, नहीं तो बहू खा जाएगा। अब बहू क्या चीज़ है ये माँ को भी नहीं पता होता, बच्चों को भी नहीं पता होता, लेकिन वो ये बात इसलिए करती हैं कि बच्चा डर के ये काम करे, खा ले, जो है ना वो इसकी सेहत का मसला ना हो। तो बहरहाल इब्तदा से ही बच्चे के जहन में खौफ डाल दिया जाता है और फिर वो बड़ा होते 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 खौफ उसके जहन के अंदर घुस चुका होता है। तो जब आप उनको मुख्तलिफ कम्पटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कराते हैं, और याद रखें पार्टिसिपेट कराना भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, और उसके साथ साथ सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है वो ये है कि आप उसके साथ साथ बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप करें कि बेटा खेल में कभी किसी की हार नहीं होती, या इंसान जीत जाता है या सीख जाता है। यानी कभी भी हार जीत को कंसेप्ट जहन में ना लाएं और ना बच्चों को बताएं, ना बच्चों को कहें कि बेटा तुम हार गए हो, क्योंकि हारना कुछ नहीं होता। फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, अब आज जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो सारे जीत गए, वो 85 स्टूडेंट्स बच्चे और बच्चियाँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो जीत गए, क्योंकि उन्होंने जो है इस मुकाबले के अंदर अपने आप को जो है वो पेश किया। अब इसके साथ साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया या जो डर गए कि भाई क्या होगा, उनसे तो वो बच्चे बेहतर थे कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहरहाल ये हमारे कंपटीशन इस यूट्यूब चैनल पर जारी रहेंगे, सारी रहेंगे और होते रहेंगे। और आप इस चैनल को कामयाब दुनिया शानदार अखरोज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन है वो मिलें और नेक्स्ट कम्पटिशन के बारे में भी आपको पता लगे। और इस आज की कम्पटिशन में जिन बच्चों के पोजीशंस आई हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसके साथ साथ जो बाकी 12 पोजीशन हैं, 15 पोजीशन तक, यानी हम प्राइजेस देंगे और ये प्राइजेस 22 अगस्त को इंशाल्लाह दिए जाएंगे। जिन बच्चों की पोजीशन हैं उनको, उनके नंबर हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हैं, हम उनके साथ रब्ता करेंगे, चाहे उनको बाई पोस्ट हम ये भिजवाएँगे या वो बाई हैंड भी रिसीव कर सकते हैं। बहरहाल ये बातें होती रहेंगी और आप हमारे साथ रहिएगा। अब हम अनाउंस करने लगे हैं उन बच्चों को जिन्होंने इस फंक्शन में बड़ी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन का मुजाहरा किया, और इस फंक्शन का आपको पता है मुकाबले के जो विनर्स थे उसका ऐलान जो है वो लाइक्स की बुनियाद पे होना था, कि कितनी वीडियोस को लाइक किया जाता है। और लाजमी नहीं कि जिन बच्चों की वीडियोस को लाइक नहीं किया गया वो अच्छी नहीं थी, वो सारी शानदार थी, सारी जानदार थी, सारी मज़ेदार थी,
क्योंकि सारी हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए थी और पाकिस्तान के लिए एक लफ्ज़ बोलना भी बहुत ही ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी इंशाल्लाह हम अनाउंस करते हैं कि कौन सी पोजीशन होल्डर हैं बच्चे जिनको जो है वो प्राइज़ दिए जाएंगे। जी सबसे पहले मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के नाम जिनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। ये स्टूडेंट्स के जो नाम हैं वो मैं अनाउंस करने लगा हूँ जिनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसमें एक सीरियल नंबर है 25 सीरियल नंबर, तमकीनुल वफा नूर, पिंड सुल्तानी अटक से इनका ताल्लुक़ है और तेरी मट्टी में मिल जावा, ये 36 लाइक्स इनकी वीडियो ने लिए और ये वो बच्ची हैं जिन्होंने पूरे कंपटीशन के अंदर मुझे भी ज़ाती तौर पे इंतहाई इम्प्रेस किया और मैं बहुत ही खुश हुआ और इनको हम जो है एक सर्टिफिकेट देंगे अपने चैनल कामयाब दुनिया शानदार आखरत की तरफ से। और इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद हो क्योंकि इस बच्ची ने पूरे जो था इस कंपटीशन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में अपना कलाम पेश किया और मिली नगमा पेश किया, तेरी मट्टी में मिल जावा। उसके बाद 42 पे सीरियल नंबर 42 आफाक मलिक रावलपिंडी से इनका ताल्लुक, ऐ मेरे वतन इन्होंने मिली नगमा पढ़ा और 27 लाइक्स थे इनके तो इनको भी बहुत मुबारक हो। उसके बाद 63 सीरियल नंबर है अबीरा अली इस्लामाबाद से, पाकिस्तान जिंदाबाद कंपटीशन के अंदर इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का ही मिली नगमा पढ़ा 25 लाइक के साथ। उसके बाद 61 नंबर सीरियल नंबर अबीरा अली एंड जीनिया इस्लामाबाद से, है मेरे वतन इन्होंने पढ़ा और 22 लाइक्स इनकी वीडियो को दिए। जी पाकिस्तान जिंदाबाद कंपटीशन में 7th पोजीशन तक हम अनाउंस कर चुके हैं। अब 8th पोजीशन है कुलबशा नासिर सीरियल नंबर 11 कुलबशा नासिर PWD इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है और इन्होंने मिली नगमा पढ़ा था सोनी धरती बड़े ज़बरदस्त अंदाज में और 21 लाइक्स जो है इनकी वीडियोस को मिले और बहुत ही अच्छी आवाज़ में इन्होंने ये मिली नगमा पढ़ा था। उसके बाद 9th पोजीशन सीरियल नंबर 5th है मोहम्मद उबादा रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, दिल दिल पाकिस्तान मिली नगमा इन्होंने पढ़ा और 20 लाइक्स इनकी वीडियो को मिले। उसके बाद 10th पोजीशन सीरियल नंबर 65 याशवीन मुश्ताक पाक पतन शरीफ से इनका ताल्लुक है जी, दिल दिल पाकिस्तान पाक पतन शरीफ से याशवीन मुश्ताक सीरियल नंबर 65 और 20 लाइक्स इनकी वीडियो को मिले 10th पोजीशन। 11th पोजीशन सीरियल नंबर 19 सुंदस रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है और शुक्रिया पाकिस्तान बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने पढ़ा, 19 लाइक्स इनकी वीडियो को मिले और ये बताता चलूँ कि ये रिजल्ट फाइनल हुए हैं 14 अगस्त शाम 5:30 बजे, क्योंकि 6 बजे हमने अनाउंसमेंट करनी थी, 5:30 बजे तक ये रिजल्ट फाइनल कर लिए थे। उसके बाद सीरियल नंबर 62 मोहम्मद हबीबुल्ला जो इस मुकाबले में एक और पोजीशन भी ले चुके हैं और ये पोजीशन है इनकी इस वीडियो के लिए 12th पोजीशन है इनकी, 12वीं पोजीशन इन्होंने ली तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। उसके बाद 13th पोजीशन किंजा फातिमा इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, शुक्रिया पाकिस्तान इन्होंने पढ़ा और 15 लाइक्स इनकी वीडियो को मिली। उसके बाद सीरियल नंबर 31 पाकिजा लतीफ़ रावलपिंडी पाकिस्तान जिंदाबाद, 15 इन्होंने लाइक्स वसूल किए और 3rd पोजीशन पे 2 कैंडिडेट हैं जिसकी वजह से टोटल जो सर्टिफिकेट तो 4 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे 1st, 2nd और 3rd पोजीशन के 2 कैंडिडेट्स को, तो 4 सर्टिफिकेट वो होंगे और आगे बाकी पोजीशन मैंने अनाउंस कर दी। तो ये था रिजल्ट। अब जो है मैं आपको ये कहता हूँ कि वालदैन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। जी इस पाकिस्तान जिंदाबाद कंपटीशन में 3rd पोजीशन लेने वाले खुश नसीब स्टूडेंट्स 2 पोजीशन होल्डर हैं जी। 3rd पोजीशन पे 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके लाइक्स बराबर आए, जिनमें एक जीनिया अली इस्लामाबाद से हैं जिनका सीरियल नंबर था 32, जीनिया अली इस्लामाबाद से सीरियल नंबर 32 और 38 लाइक्स इनकी वीडियो पे इनको मिले, तो इनको 3rd पोजीशन मुबारक हो जीनिया अली इस्लामाबाद। उसके बाद सीरियल नंबर
2021 मोहम्मद हबीबुल्ला, मोहम्मद हबीबुल्ला जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और इन्होंने भी 38 लाइक्स दिए और इनकी भी थर्ड पोजीशन। और ये याद रखें, ये जो लाइक्स हैं ये हमने 5:30 बजे तकरीबन जो है वो रिकॉर्ड किए थे कि 5:30 बजे चेक किए थे, नोट किए थे, कल 5:30 बजे वो फाइनल रिजल्ट था। अभी अगर उसमें चेंजिंग हो क्योंकि लाइक्स हैं आप स्क्रीन पे खुद भी देख सकते हैं अपने लाइक्स को। तो ये तीसरी पोजीशन दो बच्चों ने हासिल की जिनमें मोहम्मद हबीबुल्ला और ज़ीनिया अली। मोहम्मद हबीबुल्ला का सीरियल नंबर है 21 और ज़ीनिया अली का 32। इनको तीसरी पोजीशन मुबारक। अब हम अनाउंस करते हैं जी सेकंड पोजीशन, रावलपिंडी से सीरियल नंबर 54 अब्दुल्ला इशाल एंड क्लास फेलो। इन्होंने मिली नगमा पढ़ा और कंबाइन होके पढ़ा। इनकी 54 सीरियल नंबर है और 44 लाइक्स इनकी वीडियोस को मिले, तो इनको सेकंड पोजीशन जो है वो मुबारक हो। ये सेकंड पोजीशन इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कंपटीशन में हासिल की। अब चलते हैं जी फर्स्ट पोजीशन पाकिस्तान जिंदाबाद कंपटीशन जो हासिल की है वो उनका नाम है हाजरा जमान और सीरियल नंबर है 24। सीरियल नंबर 24 हाजरा जमान, इन्होंने रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, 46 लाइक्स के साथ फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल की है। तो ये तीन पोजीशन होल्डर थे जिनके नाम हमने अनाउंस किए। पाकिस्तान जिंदाबाद कंपटीशन में जो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ज़बरदस्त वीडियोज आई और बहुत सारे ज़बरदस्त वीडियो में और जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के पर पाकिस्तान के साथ ज़बरदस्त अंदाज में पेश किया गया। और इस मुकाबले में वालदैन ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट की क्योंकि उन्होंने सेंड की और बच्चों को भी जो इस मुकाबले में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने इस मुकाबले के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया। अब इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि वालदैन आगे भी मज़ीद भी अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनको कंपटीशन के अंदर लाजमी शामिल करवाएँ ताकि वो भी जो है आगे बढ़ सकें। और ये कंपटीशन हमारे इस चैनल पे चलते रहेंगे क्योंकि हमारा चैनल कामयाब दुनिया शानदार आखिरत एक ऐसा मोटिवेशनल चैनल है जहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेंगी, इंफॉर्मेशनल वीडियो भी मिलेंगी, जॉब रिलेटेड मुख्तलिफ जॉब्स आती हैं उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ जो है वो एडमिशन की वीडियोज़ यहाँ पे मिलेंगी, लाइफ चेंजिंग वीडियो मिलेंगी और ये चैनल बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। हमारी ये जो काविश है मैं आपसे ये कहूँगा, इसको ज़रूर हमें जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए, लाइक्स के ज़रिए और अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद कंपटीशन आपको कैसा लगा और आगे ऐसे कंपटीशन होने चाहिए या नहीं। क्योंकि हमारा तो मिशन है कि पाकिस्तान के अंदर बेताशा टैलेंट मौजूद है, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, दुनिया में सुनी जाए। और यकीनन ये बच्चे जो इस वीडियो में इस फंक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इनको पूरी दुनिया में सुना जाएगा, पूरी दुनिया में जो है लोग इसको देखेंगे। तो बहरहाल जो बच्चे पोजीशन होल्डर थे तो बहुत बहुत मुबारकबाद और बाकी मुबारकबाद और जो बच्चे पोजीशन नहीं हासिल कर सके उनको भी मुबारकबाद कि उन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और अपने जो है सैकड़ों का लोहा मनवाया। मुकाबले में हार जीत होती रहती है, हारता वही है जो हिस्सा नहीं लेता, याद रखें जिन्होंने हिस्सा लिया वो सारे जीत गए। तो बहरहाल इस मुकाबले के प्राइजेस 22 अगस्त को इंशाल्लाह इतवार को हम देंगे जिनके बारे में फ्राइडे तक आपको इतला दी जाएगी। हमारे इस चैनल को कामयाब दुनिया शानदार आखिरत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि इस चैनल के ज़रिए आपको मज़ीद हमारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी खूबसूरत खूबसूरत वीडियो मिल सकें, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों को कॉन्फिडेंस देने का। और मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा, मैं भी ज़ाती तौर पे एक स्कूल चलाता हूँ और स्कूल में मैं बच्चों को यही चीज़ कहता हूँ कि बेटा आपने कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का सबसे हाई करना चाहिए, बच्चों को एतमाद देना चाहिए, मुकाबलों में पार्टिसिपेट कराना चाहिए और उनके माइंड में ये बात डालनी चाहिए कि लाजमी नहीं है कि आपको प्राइज़ मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, बल्कि आपको जो है ये ज़रूर है कि आप ज़रूर जो है मुकाबलों में हिस्सा लें। और अब मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि सारे बच्चों ने बहुत अच्छी फंक्शन का वगैरह किया, नाम जो है सुल्तानी अटक की तमकीनुल वफा नूर, जिन्होंने तेरी मिट्टी में मिल जावा, इसका हम लिंक इस डिस्क्रिप्शन में हम आपको देंगे।
ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इनका आपने देखना हो तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और उसके साथ साथ 25 नंबर इनका सीरियल नंबर है। इस बच्ची ने खूबसूरत अंदाज में, यानी मैंने बताया कि सब ने बहुत अच्छे अंदाज में जो है उसका मुजाहरा किया, लेकिन इस बच्ची ने मुझे भी ज़ाती तौर पर बड़ा मुतासर किया। और इसके साथ साथ जो भावलपुर से हमारे पास वीडियो आई, मैं उनके जो क्योंकि भावलपुर से जो वीडियो आई वो स्कूल की स्कूल से वीडियो बताई, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। और उनको मैं कहूँगा कि आपने भावलपुर का नाम रोशन किया, भावलपुर को लेकर आए, और इंशाल्लाह आगे भी कम्पटिशन होते रहेंगे और इसमें आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ आप शामिल रहेंगे। तो इंशाल्लाह मुकाबलों में जब शामिल रहते हैं वो लाजमी होता है। भावलपुर, लाहौर, अटक, इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उकाड़ा और बहुत सारे शहरों से इनका नाम भी मेरे बहन नहीं है, वीडियो हमारे पास बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में इन्हीं बच्चों ने आगे जो है तरक्की करनी है, इन्हीं बच्चों ने आगे सब कुछ लेकर चलना है, पाकिस्तान की बात और मानी है। तो हमें चाहिए कि हम इन बच्चों को पूरा करें। इस चैनल के ज़रिए इंशाल्लाह आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इस चैनल को जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आगे जो है इस चैनल की वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे इस चैनल पर मोर देन 500 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं, और इसमें यकीनन आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी बड़ी ज़बरदस्त मिलेंगी। और उस पर कमेंट ज़रूर करें, उस पर जो है उसको लाइक ज़रूर करें। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि इस कम्पटिशन ने, पाकिस्तान जिंदाबाद कम्पटिशन ने मुझे भी बहुत बड़ा हौसला दिया, क्योंकि देखें इतने हौसला इस लिहाज से कि फ़र्स्ट कम्पटिशन में ऑर्गेनाइज़ करवा रहा था, मैंने कहा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहला रिस्पांस और बहुत ही शानदार रिस्पांस। इंशाल्लाह ये कम्पटिशन ये मुकाबले होते रहेंगे, और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।